कोरोना वायरस से दुनिया भर में 47 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक 3 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि ये आंकड़ा अभी यहाँ पर थमा नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर देश बेवश हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए जल्दी और बड़े फैसले लिए। आज वहाँ की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। आइए उन 5 देशों के बारे में जानते हैं जिनकी बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना जैसे संकट में उभर कर सामने आई है। दक्षिण कोरिया हेल्थ इंडेक्स में 4th नंबर पर है, लेकिन कोरोना के मामले में ये काफी आगे है। यहाँ अब तक सिर्फ 11,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 263 लोगों की मौत हुई है। साल 2015 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम झेल चुका यह देश किसी भी महामारी के लिए तैयार दिखता है। दक्षिण कोरिया ने 4.5 लाख से ज्यादा की आबादी का टेस्ट किया और अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिण कोरिया के हेल्थ सिस्टम ने कोरोना महामारी से लड़ाई करने में मदद की। दक्षिण कोरिया के सारे नागरिक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस यानी कि NHIS के अंदर आते हैं, जिससे वहाँ इलाज का खर्च कम हो जाता है। सार्स और मर्स झेल चुके इस देश में लगभग हर सार्वजनिक जगह पर तापमान चेक होता ही रहता है। सारी बिल्डिंगों में थर्मल कैमरे लगे हुए हैं जो अधिक तापमान को तुरंत पकड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में 18वें स्थान पर है, उसे कोरोना से लड़ाई के मामले में नंबर 1 कहा जा सकता है। संक्रमितों की संख्या वहां पर 7054 तक सिमटी हुई है, जबकि अब तक मौतों का आंकड़ा 100 से ऊपर भी नहीं पहुंचा है। ये बड़ी बात है। यहां का हेल्थ सिस्टम मिला जुला है, जैसे यहां यूनिवर्सल कवरेज भी है और प्राइवेट सिस्टम भी। इस तरह के 2-टायर सिस्टम के कारण यहाँ अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में COVID-19 के मामले में निजी अस्पताल स्टैंड बाय में रखे गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या तो लगभग 2.25 लाख है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या पर मृत्यु दर बेहद कम है। अब तक कोरोना संक्रमण से यहाँ पर 8,049 लोगों की मौत हो चुकी है। हेल्थ इंडेक्स में 12वें नंबर पर खड़े इस देश की तारीफ हो रही है। इसका बड़ा श्रेय जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को दिया जा रहा है। यहाँ पर भी दूसरे यूरोपियन देशों की तरह फेडरल सिस्टम है, यानी कि राज्यों के पास ताकत है कि वे अपनी व्यवस्था कितनी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ अस्पतालों में ICU और डॉक्टरों के इंतजाम बेहतर हैं। यही वजह है कि जहाँ दूसरे देशों में मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल कम पड़ने की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन जर्मनी में हालात इससे कहीं अलग हैं और लोगों का अच्छी तरह से इलाज किया जा रहा है। हेल्थ इंडेक्स में 11वें नंबर पर है इजराइल, लेकिन इजराइल ने एक तरह से कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। इजराइल के नागरिकों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस लॉ ऑफ 1995 के तहत वहाँ रहने वाले अपने परिवार के मुताबिक इंश्योरेंस चुनते हैं, जिसमें सरकार भी उनकी मदद करती है। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में इजराइल काफी आगे है। लोगों में जागरूकता भी है और कोरोना के मामले में भी इस देश की कामयाबी का राज यहाँ के लोगों में जागरूकता ही है। जब इस देश में कोरोना का संक्रमण शुरू ही हो रहा था, तभी वहाँ पर सख्त कदम उठा लिए गए थे। इतना ही नहीं, इजराइल ने एक टेस्ट किट भी तैयार कर ली थी, जिससे बेहतर नतीजे मिल रहे थे और लोगों का इलाज शुरू हो गया था। हेल्थ इंडेक्स में 2रे नंबर पर है जापान, जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। कोरोना वायरस के जन्मदाता चीन का पड़ोसी होने के बाद भी वहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,285 है और मौत का आंकड़ा 800 से भी कम। कहा जा रहा है कि यह संख्या भी हाल ही के दिनों में सामने आई है। जापान में कोरोना की जांच का तरीका अलग है। यहाँ हर एक इंसान की जांच पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि कोई लक्षण होने पर सिटी स्कैन होता है और नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। जापान में मास्क पहनने को लेकर पहले से ही जागरूकता है, इसीलिए वहाँ पर कोरोना के कम फैलने की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। साथ ही साथ इस देश की 60% से बड़ी आबादी हर साल हेल्थ चेकअप करवाती है।